दोस्तों सभी को जय श्री राम। आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि आज श्री राम लला की आज घर वापसी हो रही है। एक जो वनवास उन्होंने त्रेता युग में काटा था और एक वनवास इन्हें इस घोर कलयुग में काटना पड़ा जो बिल्कुल उनके भाग्य में नहीं लिखा था। लेकिन आज का दिन बहुत खास है कि आज हमारे रामलला का स्थापना हो रहा है, घर वापसी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो इतिहास लिखा जा रहा है वो सदियों सदियों तक याद रहेगा। मैं कह रहा हूँ जब तक ये पृथ्वी खत्म नहीं होगी या जब तक ये भारतवर्ष का नाम खत्म नहीं होगा तब तक इस इतिहास को भुलाया नहीं जाएगा, इस 22 जनवरी को भुलाया नहीं जाएगा। और हमारे लिए भाग्य की बात यह है कि हम इस दिन को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसे महसूस कर पा रहे हैं। ये जो रंगरलियां, जो शायद त्रेता युग में भी ऐसा ही महसूस किया होगा वहां के नगरवासियों ने, वही महसूस हम भी करते नजर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं भाई साहब, फाइटर को रिलीज होने के लिए बस 2 दिन और बचे हैं और 25 जनवरी को हमें फाइटर मूवी मिल जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है भाई, तबाही देखने को मिल रही है। नेशनल चेन्स में भाई डंकी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नजर आ रही है। वो डंकी जो 2023 में फुल ट्रेंडिंग पे चल रही थी, जबरदस्त उसने रिकॉर्ड सेट किए थे, ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेके वो मूवी, उस मूवी के रिकॉर्ड को ये एडवांस बुकिंग में ही तोड़ने वाली है नेशनल चेन्स। अभी सारी चीजों पर बात करेंगे, इसने कितना क्या कलेक्शन कहाँ से कर लिया है और क्या कलेक्शन हो चुका है, डे वन के लिए कितना एडवांस बुकिंग हो चुकी है और कितना ओपनिंग ये करने वाले हैं, सारी चीजों पर करके बात करेंगे। क्या करना है पहले, वीडियो को लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। हिंदी 2D से 91,77,140 रुपए का बुकिंग एडवांस कलेक्शन अभी तक यहाँ से ले चुके हैं, जहाँ 33,247 टिकट बेच चुके हैं, 232 रुपए के एवरेज टिकट प्राइस है और 3,065 सोज सिर्फ हिंदी 2D से आ चुके हैं। हिंदी 3D की बात करें तो भाई साहब यहाँ सबसे ज्यादा नंबर देखने को मिला है। हाई क्वालिटी में देखने के लिए लोग उत्सुक हैं 3D वर्जन पे इस फाइटर मूवी को, एयर स्ट्राइक को, एरियल शॉट्स को। भाई ऑसम फीलिंग हुई क्योंकि 1,54,50,000 की बुकिंग वहाँ से ले चुके हैं हिंदी 3D से, 46,465 की टिकट हो चुकी है बुकिंग एंड 4,251 सोल्ड आ चुके हैं। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो 28,17,000 का एडवांस कलेक्शन ये लोग हिंदी IMAX 3D से ले चुके हैं, 4,887 टिकट बेच चुके हैं और 117 सोच हैं। हिंदी 4DX 3D की बात करें तो 7,22,000 के आसपास इन्होंने वहां से एडवांस बुकिंग ले ली है, 1,219 टिकट यहां से सोल्ड आउट कर दिए हैं एंड 604 की एवरेज टिकट प्राइस है, 104 सोच हैं। टोटल ऑल वर्जन्स, ऑल ये चारों वर्जन्स को मिलाकर ये लोग 2,82,00,000 के आसपास एडवांस बुकिंग ले चुके हैं भाई साहब, जो कि ह्यूज ह्यूज नंबर है। टोटल टिकट 85,788 ये लोग टिकट बेच चुके हैं और 7,537 सोच इनके खाते में आ चुके हैं। तो भाई साहब क्या ये सोच की संख्या 15,000 हो सकती है? अगर हो जाएगी तो भाई साहब डे वन पर 50 करोड़ डेफिनेटली आने हैं इसके खाते में। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो चुका है? 6,60,00,000, जिसमें से ओवरसीज से 3,80,00,000 का कलेक्शन आया है सबको मिलाकर, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मतलब ऑल वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के 3,80,00,000 वहां से आ चुका है। नेशनल चेन्स की बात करें तो भाई साहब नेशनल चेन्स में अप्रोक्सीमेटली कल रात 11:30 तक 22,500 टिकट ये लोग नेशनल चेन से बेच चुके हैं, PVR, INOX एंड सिनेपोलिस को मिला के, जो भाई डंकी के 62,000 जो अप्रोक्सीमेटली 62,000 की एडवांस बुकिंग ली थी डे वन के लिए नेशनल चेन्स पे, उसको तोड़ने के कगार पर बैठी पड़ी है और डेफिनेटली ये आज बीट डाउन कर देगी, क्योंकि कल तक अगर हम देख रहे थे तो 17,300 थी और आज 42,000। तो मुद्दे की बात यह आती है कि भाई डे वन पर ये लोग कितनी ओपनिंग ले सकते हैं भाई साहब। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ 45 से 50 करोड़ का डे वन का ओपनिंग होने वाला है। और दूसरी बात कि इस एयर स्ट्राइक को देखने के लिए कौन कितना उत्सुक है। दूसरा भाई जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।